अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विद शाहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा ये मैं थाल पोश लेके आई हूँ। बनाना भी इसको बहुत ज़्यादा इजी है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि इसे हम किस तरह बिग या स्मॉल बना सकते हैं। हम इसे मेजर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 14 इंच पे रेडी होके आ रहा है, लेकिन इसमें आपको इजीली आप समझ जाएंगे कि इससे अगर आपने 14 से बिग बनाना है तो कैसे बनाएं। ओके फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम ये 3 ply की वुल यूज़ कर रहे हैं। मैं इन 2 color में बना रही हूँ, आप अपनी मर्जी के 2 colors ले सकते हैं। और क्रोशियो हुक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 2.0 mm। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नोट बांध लेंगे। स्लिप नोट बांधने के बाद अब हमने यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम हमने यहाँ पर सिंगल चेन्स ले लेनी है। 10 सिंगल चेन्स लेने के बाद ये जो फर्स्ट हमारे पास स्टिच है, इसमें हमने स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करना है। और यहाँ पर हमने 1, 2, 3 चेन्स लेनी है। 3 चेन्स लेने के बाद इसी स्पेस में हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। ये हमारे पास 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये 24 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1, 2, 3 थर्ड स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन्स लेनी है। 7 चेन्स लेने के बाद 1, 2, 3 स्टिच स्किप करने हैं। फोर्थ में हमने सिंगल क्रोशिया ले लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हमने चेन्स लेनी है। 1, 2, 3, 4 फोर्थ स्टिच में सिंगल क्रोशिया ले लेना। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला हमारा 6 स्पेस बन के रेडी होगा। इसको हमने ये जो फर्स्ट हमने चेन ली हुई है इसी में स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हमने इस स्पेस पे अपना वर्क करना है। देखिए 1, 2 टाइम हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद अब हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हमने चेन्स लेनी है। अब गौर से देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टाइम हमने अपनी इस यार्न को अपनी नीडल पे रैप करना है और इस स्पेस में हमने
टू टू लूप्स क्लोज करते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए टू लूप्स को क्लोज करेंगे, टू लूप्स को क्लोज करेंगे, टू लूप्स को क्लोज करेंगे, इन टू लूप्स को क्लोज करेंगे, इन टू लूप्स को क्लोज करेंगे, इन टू लूप्स को क्लोज करेंगे और इन टू लूप्स को क्लोज करेंगे। ये देखिए अगेन हमने सिक्स टाइम 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम इस यार्न को अपनी नीडल पे रैप करते हुए फिर से हमने टू टू लूप्स को क्लोज करते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। और ये देखिए टू हमने रेडी कर लिए हैं। इस तरह के हमने 7 लाइंस जो हैं वो रेडी कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम में ये बना चुकी हूँ। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन्स लेंगे। 10 चेन्स लेने के बाद यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया ले लेना है। 1 2 टू टाइम हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया लेना है और देखिए 1 टाइम हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेना है। अगेन हम यहाँ पर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया लेंगे 1 2 और यहाँ से फिर से हमने 10 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये देखिए फ्रेंड्स अब जिस तरह हमने यहाँ पर पेटल रेडी किया है ये जितने भी हमारे पास स्पेसेस हैं इन तमाम स्पेसेस में हम इस तरह के पेटल रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब जो है हमने यहाँ पर देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया हुआ था इस पे हमने स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करना है। अटैच करने के बाद अब इस डबल सिंगल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। अब ये हमने 10 चेन जो ली थी इसमें हमने सिंगल क्रोशिया ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेना है। अब ये जो हमने टू टू लूप्स क्लोज किए थे इनके ऊपर वाला जो स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इस स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पर भी ये जितने भी हमने डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं इनके ऊपर वाले लूप्स में हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए अब अगेन हमने ये जो 10 चेन्स ली थी इन 10 चेन्स में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 5 टाइम सिंगल क्रोशिया लिया था। अब 1 यहाँ से हम स्किप करेंगे, यहाँ पर 1 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट में 3 3 टाइम हम सिंगल क्रोशिया लेने के बाद फिर से हमने इन 10 चेन्स में 11 टाइम सिंगल क्रोशिया ले लेना है। अब जैसे हमने इस लीव को कंप्लीट किया है हम अपने तमाम लीव इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम इस फ्लावर को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पर अटैच करेंगे,
देखिए अब ये जो हमने फर्स्ट स्टिच लिया था, यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया लिया था, उसमें हमने स्लिप स्टिच लगा देना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन टाइम हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देने हैं। सेवन स्टिप्स स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव टाइम हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेने हैं। फाइव सिंगल क्रोशिया लेने के बाद अब ये देखिए ये जो हमने स्ट्रिप बनाई है इसकी ये जो फर्स्ट चेन है ऊपर से यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चेन्स बनाएंगे। फोर चेन्स बनाने के बाद सेम इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया लेके हम पीकॉट बना लेंगे, ऐसे लुप्सा बन जाएगा। अगेन हमने ये देखिए नेक्स्ट में वन टू, टू टाइम सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड हमारे पास स्पेस है ये, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। इन थ्री को छोड़ के इसके ऊपर वाला जो लूप है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया लेने के बाद वन टू थ्री फोर, फोर चेन्स लेनी है। फोर चेन्स लेने के बाद सेम स्पेस में इसे ज्वाइन करना है और एक लुप्सा बना लेना है। ये देखिए अब अगेन हमने यहाँ पर ये जो स्टिच है इसमें हमने वन टू, टू टाइम सिंगल क्रोशिया लेना है। अब देखिए ये लास्ट जो हमारे पास स्ट्रिप है इस लास्ट स्ट्रिप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया लेके वन टू थ्री फोर, फोर चेन्स लेनी है। फोर चेन्स लेने बाद यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर हम लुप्सा बना लेंगे। अब यहाँ पर हम वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये इस स्ट्रिप का स्टिच है, वन टू थ्री फोर फाइव, फिफ्थ स्टिच में हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया ले लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेने के बाद अब इस स्ट्रिप के ऊपर वाली स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चेन्स लेंगे और यहाँ पर एक लूप रेडी कर लेंगे। फिर से हम वन टू, टू चेन्स ले लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह बनेगा और इसी तरह बनाते हुए हमने अपना ये सारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स देखिए मैं तमाम फ्लावर्स के जो पेटल हैं उनको रेडी कर चुकी हूँ। अब हम ये देखिए ये एंड पे पहुँच चुके हैं और एंड पे ये जो हमने फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशिया लिया था उसी में हमने स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करना है। नेक्स्ट में भी हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में भी हम स्लिप स्टिच लगा देंगे और लास्ट स्टिच में भी हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी यार्न का कलर चेंज कर लेना है। ये देखिए ये मैं सबसे पहले हम इस पर स्लिप नोट बांध देंगे। ये देखिए
स्लिप नोट बांधने के बाद अब हमने ये जो लूप बनाया था इस लूप में से इसको आउट करेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे लाते हुए वन चेन लेनी है। वन चेन लेने के बाद अब ये जो वन टू थ्री फोर फाइव चेन्स लेंगे। फाइव चेन्स लेने के बाद हम यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया लेके अटैच कर लेंगे। फिर से हमने यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव चेन्स लेंगे। फाइव चेन्स लेने के बाद हमने इस लूप में इसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चेन्स लेंगे। टेन चेन्स लेने के बाद अब इस लूप में हम इसे अटैच करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव चेन्स लेंगे। फाइव चेन्स लेने के बाद इस लूप में अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरह बनेगा। अब जो है हमने जहाँ से हमने अटैच किया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब ये जो फाइव चेन का हमने स्पेस बनाया है इसमें भी हम स्लिप स्टिच बना देंगे। यहाँ पर हम वन टू थ्री चेन ऐसा डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब हमने ये जो फाइव चेन का स्पेस लिया है इसमें हमने ये देखिए डबल क्रोशिया ले लेंगे। टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम हम यहाँ पर नीचे देखिए फ्रेंड्स, हमने फाइव टाइम चेन्स ली थी, ऊपर हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम डबल क्रोशिया ले ली है। नेक्स्ट स्पेस में भी हमने इसी तरह सिक्स टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब यहाँ पर हमने टेन टाइम डबल सिंगल चेन्स ली थी तो यहाँ पर हम देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। यहाँ पर हमने ट्वेल्व टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है। ट्वेल्व डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से हमने यहाँ पर सिक्स टाइम डबल क्रोशिया लेना है। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ये देखिए ये इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने ये जो थ्री चेन्स ली थी ये देखिए इसकी ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें हमने स्लिप स्टिच लगा देना है। वन टू थ्री फोर थ्री चेन एज अ डबल क्रोशिया ली है और फोर फाइव टू चेन एज अ स्पेस ली हैं। अब हम ये देखिए वन टू स्टिच स्किप करेंगे, थर्ड में हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। वन टू चेन्स लेंगे। टू चेन्स लेने के बाद वन टू स्टिच स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया ले लेंगे। वन टू चेन्स लेंगे। वन
टू स्टिच स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद ही कुछ इस तरह सा है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। जब हम अपना नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। अभी हम लास्ट पे पहुँच चुके हैं। लास्ट में पहुँचने के बाद जो थ्री चेन्स हमने ली थी, देखिए 1, 2, 3 थर्ड स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे अगेन हमने पिंक कलर यूज़ कर लेना है। आप चाहें तो आप अपनी इस यार्न को कट कर लें, नहीं तो इसको हम साथ भी उठा सकते हैं। यहाँ से हम इसे अटैच करेंगे। अब वाइट यार्न को टाइट करते हुए यहाँ से ऊपर लेके आएंगे और ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 चेन ऐसा डबल थ्री चेन्स ऐसा डबल क्रोशिया ले लेंगे। इस स्पेस में हम ये देखिए 1, 2, 3 थ्री टाइम हम डबल क्रोशिया लेते हुए ये पफ स्टिच बनाएंगे। इन तमाम लूप्स को इकट्ठा क्लोज करेंगे, इन टू लूप्स को इकट्ठा क्लोज करेंगे। 1, 2, 3 थ्री चेन्स लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद इस स्पेस में 1, 2, 3 and 4 टाइम हम डबल क्रोशिया लेते हुए इन तमाम लूप्स को हमने इकट्ठा क्लोज करना है, इन टू लूप्स को इकट्ठा क्लोज करना है। देखिए कुछ इस तरह के पफ स्टिच रेडी होंगे। 1, 2, 3 थ्री चेन्स लेने के बाद फिर से हमने इस स्पेस में 1, 1, 2, 3 and 4 फोर टाइम डबल क्रोशिया लेने के बाद तमाम लूप्स को इकट्ठा क्लोज करते हुए पफ स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर हम लॉक लगा देंगे। 1, 2, 3 थ्री चेन्स लेंगे। ये देखिए इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करेंगे और ये जो हमने बैक साइड पे वाइट यार्न छोड़ी थी इसको भी हम साथ में ही उठा लेंगे। यहाँ पर अगेन हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर 1, 2, 3 थ्री चेन एज अ डबल क्रोशिया लेंगे और इसी स्पेस में हम ये देखिए ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये 2, 3, 4 टाइम हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया ले लेना है। अब इस स्पेस में हम फिर से 1, 2, 3, 4 फोर टाइम डबल क्रोशिया ले लेंगे। नेक्स्ट स्पेस में 1, 2, 3, 4 ये देखिए सिंपल इसी तरह 4, 4 जितने भी हमारे पास ये स्पेस है तमाम स्पेसेस में हम 4, 4 टाइम डबल क्रोशिया लेके अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर अगेन हमने थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लगाना है और ये वाली यार्न जो है हमने साथ ही ऊपर उठा लेनी है। स्लिप स्टिच लगाने के बाद ये देखिए अब इस स्टिच में भी हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर 1, 2, 3 ये थ्री चेन एज अ डबल क्रोशिया लेने हैं।
वन टू, टू चेन एज अ स्पेस लेने हैं। अब ये देखिए, ये वन स्टिच हम स्किप करेंगे, सेकंड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू, टू चेन्स लेंगे, टू चेन्स लेने के बाद ये वन डबल क्रोशिया स्किप करते हुए सेकंड में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। वन टू, टू चेन्स लेंगे, वन चेन को स्किप करेंगे, सेकंड में डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब अगेन हमने यहाँ पर वन टू थ्री, थर्ड स्टिच में स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करना है। अब इस हिस्से में हमने ये वाइट यार्न लेनी है और यहाँ से हम इसको आउट करते हुए स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हमने इससे वर्क करना है। वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे, थ्री चेन्स लेने के बाद वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया लेते हुए पफ स्टिच बनाएंगे, इन टू लूप्स को क्लोज करेंगे। वन टू थ्री, थ्री चेन्स ले लेंगे। अब इस स्पेस में वन टू थ्री फोर, फोर टाइम डबल क्रोशिया लेंगे, पफ स्टिच बनाएंगे, लॉक लगाएंगे। वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे और यहाँ पर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया लेते हुए। वन टू थ्री चेन्स लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वही प्रोसेस है जो हमने यहाँ पर किया था। इसी तरह बनाते हुए जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इस थाल पोश को उतना बिग बना लीजिए। तमाम राउंड वन टू थ्री इन थ्री स्टेप्स पर बनते जाएंगे। जब ये जितने आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको उतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बताऊँगी कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसे ज़्यादा बिग नहीं बनाना है, तो मैंने यहाँ पर ये वन टू जस्ट टू राउंड्स किए हैं। लेकिन अगर आपने इस थाल पोश को बहुत बड़ा बनाना है तो फिर इन राउंड्स को आप रिपीट करते जाएंगे तो ये बिग थाल पोश बन जाएगा। अब जो है हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर ये जो हमने थ्री चेन्स ली हुई हैं इसकी फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे, थ्री चेन्स लेने के बाद हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। देखिए अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में भी हम डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पर हमने कोई भी जो स्टिच है उसे स्किप नहीं करना है, तमाम स्टिचेस में हम ऐसे डबल क्रोशिया लेते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं इसे यहाँ तक बना चुकी हूँ और ये राउंड भी अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब जो है हम इसका किनार बना लेते हैं। यहाँ पर हम जो डबल क्रोशिया है इसके इस स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अब यहीं से हम देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन चेन्स लेंगे। टेन चेन्स लेने के बाद इसी स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे अटैच कर लेंगे। अब हमने ये देखिए इस स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेना है। वन, नेक्स्ट स्टिच में टू, नेक्स्ट स्टिच में थ्री, नेक्स्ट स्टिच में फोर, फोर टाइम सिंगल क्रोशिया लेने के बाद अब यहाँ पर हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन हम चेन्स लेंगे। टेन चेन्स लेने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स इसी स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया लेके इसे अटैच करेंगे। फिर से हमने फोर टाइम सिंगल क्रोशिया ले लेना है। वन
टू थ्री फोर। ये देखिए, ये इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं ये लास्ट स्टिच तक पहुंच चुकी हूँ, जहाँ से हमने इसे लिया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करेंगे और इस हम लूप को अप करके यहाँ पर छोड़ देंगे। अब जो है हमने पिंक कलर यहाँ पर इस्तेमाल करना है। देखिए, मैं ये स्लिप नोट बांध चुकी हूँ। स्लिप नोट बांधने के बाद फ्रेंड्स, हमने बीच में फोर का स्पेस लेने के बाद बनाया था, लेकिन देखिए वन स्टिच हमारा ये होगा जो हमने यहाँ पर लिया है, यानी इस लूप को बनाते हुए। तो इसको छोड़ के हम ये जो ये स्टिच है थर्ड, यानी वन हमने वहाँ से छोड़ दिया, इस स्टिच से हम यहाँ पर अपनी यार्न को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। अब ये नेक्स्ट स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये हमारे पास थ्री सिंगल क्रोशिया बन के आ जाएंगे। थ्री सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व 12 सिंगल चेन्स लेंगे। यहाँ पर हमने 10 सिंगल चेन्स ली थी। 12 चेन्स लेने के बाद देखिए, ये जहाँ पर हमने अटैच किया हुआ है इस सिंगल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे और ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। वन टू थ्री, थ्री टाइम सिंगल क्रोशिया लेने के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व टाइम हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। ट्वेल्व सिंगल क्रोशिया लेने के बाद ये देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, ये जो हमने ये डबल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया लिया है, इसको स्किप करना है। इसके साथ वाले सिंगल क्रोशिया में हम इसे अटैच करेंगे। वन टू एंड थ्री, और ये इसी तरह बनाते हुए हमने अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, ये यार्न हमने कट नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद ऊपर से एक और राउंड हमने सेम इसी कलर से बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका किनार है। मैं लास्ट स्टिच तक पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर हम ये देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट स्टिच है इसी में हमने स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करना है। अटैच करने के बाद यहाँ पर हमने अपनी इस यार्न को कट कर लेना है। अब हमने इसे बैक साइड पे ला के अच्छे से अटैच कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये देखिए, यहाँ पर हमने अपनी ये वाइट कलर की यार्न जो है वो रहने दी थी। इसका ये लूप जो है, ये देखिए, इसको हम यहाँ से ये सेंटर वाला जो स्टिच है इसमें से हम अपने इस लूप को आउट करेंगे। आउट करने के बाद यहाँ पर हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन हमने सिंगल चेन्स ले लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में हमने 10 सिंगल चेन्स ली थी, फिर 12 ली थी, अब हमने 14 सिंगल चेन्स ले ली हैं। 14 चेन्स लेने के बाद ये जो सेंटर वाला हमारा स्टिच है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया लेके इसे अटैच करना है। फिर से हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, 14 चेन्स लेने के बाद ये देखिए, थ्री ये हमारे पास स्टिच हैं, जो सेंटर वाला स्टिच है
उसमें हमने सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे अटैच करना है। ये देखिए कुछ इस तरह बनेगा। और इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस किनार को कंप्लीट कर लेते हैं। बना के मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये कैसा दिखता है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बनाया हुआ ये थालपोश राउंड टेबल रनर पसंद आया होगा। देखिए इसका किनार भी बहुत प्यारा बन के आया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।